जय माता दी दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके लिए एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, कुंडू बाबा की पाठशाला। अगर आपको टेलीग्राम पर वीडियो के लिंक मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अन्यथा आप कुंडू बाबा की पाठशाला सर्च करें, सट्टा किंग कुंडू बाबा सर्च करें, सट्टा विद कुंडू बाबा सर्च करें और देखें कुछ स्पेशल वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने आपके लिए 97 के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें कि सुबह दिशावर में 93 पास हुई है, इस सभी के लिए आपको बधाई। इसके अलावा जो हम रोज़ाना डेली रूटीन वीडियो डालते हैं जिसमें हम क्रॉसिंग की बात करते हैं, जिसमें हम विद लोकेशन हरूफ की बात करते हैं, वहां पर आपका दिल्ली बाज़ार में 55 खुला है, क्रॉसिंग से पास है, फरीदाबाद गाज़ियाबाद सेम जोड़ियाँ इस महीने तीसरी दफ़ा 65-47 और अब 14-41, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने है, देख रहे हो। गली में 52 खुली है, क्रॉसिंग में 52 थी, आपके लिए भाग्यशाली रही होगी। दिशावर में 93 खुली है, दिशावर की 93 में हमारे पास नहला था, क्रॉसिंग में 93 थी और आपका जो मैं बता रहा हूँ कि कुंडू बाबा की पाठशाला में स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें 97 के बाद 39 रख रखा है कि भैया 39-93 अच्छी जोड़ी है, खेल कर चल सकते हो। उम्मीद करता हूँ सफलताएं आपके लिए बढ़िया से आई होंगी, आपने बढ़िया से फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि जो 93 मैंने दिशावर में निकाली हुई है यही आपकी मैंने गली में 39 के रूप में भी निकाली थी। अब अगर आपने यहाँ का जो 39 के साथ नहला सटीक था वो दिशावर में इस्तेमाल किया होगा तब भी आप फ़ायदे में रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा वीडियो है ये समझदारी से देखोगे, अच्छे से सुनोगे तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि भैया मैं जोड़ियाँ देख लूँ इनकी, इनके हिसाब से खेल चलाऊँगा बिल्कुल, तो चीज़ें अच्छी हो सकती है लेकिन ख़राब ज़्यादा हो सकती हैं। फरीदाबाद में जैसी जोड़ियाँ रखी थी 16-49 की, आपको बताया था क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 1964 वाली फैमिली का वहाँ पे काम चल रहा था, जिस प्रकार 46 खुला, जिस प्रकार 96 खुला, कहीं एक संकेत था कि भैया कहीं 16-49 ना खोल दे, लेकिन कंपनी ने उसी फैमिली का 14 खोला और उसके बाद 14-41 किया। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके लिए अच्छी रही होंगी। मैं बिल्कुल यूँ कह दूँ कि चीज़ें बिल्कुल ऐसे ऐसे पास हैं वो मैं जानता नहीं हूँ, जो हुआ है उसको आपके साथ साझा कर लिया है कि भैया चीज़ें अच्छी थी, काम करके गई हैं, राम जी ने खूब कृपा करी है। आज राम जी से कृपा में क्या मांगने वाले हैं तो अंकों की बात करेंगे। क्रॉसिंग के अंकों में सबसे बढ़िया अंक आज के लिए नहले का अच्छा रहने वाला है। 5 पे काम कर सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, 3 को उठा सकते हैं, 1 पर विश्वास दिखाएंगे और 2 पर विश्वास दिखाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ नोट कर लो, नहला, पंजा, चौवा, तिग्गी, इक्का, दुग्गी, ये नीचे सारे खुले हुए अंक हैं। पंजा, इक्का, चौवा, पंजा, दुग्गी, नहला, तिग्गी, सारे अंक नीचे से ही खुलने की संभावनाएं बनेंगी। कल के अंकगणित में बेहतरीन तरीके से पंजे का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया था कि भैया 28 तारीख के पंजा खुलेगा ही खुलेगा, दिल्ली बाज़ार ने 55 दिखाया, गली ने 52 दिखाया, समीकरण काफ़ी स्पष्ट थे। जिस प्रकार से आपको बताया कि तिग्गी खुलने की संभावनाएं बनेंगी, दिशावर ने 93 कंप्लीट कर दी कि भैया दिशावर में 93 खोल दी, तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं, बस विश्वास दिखाने वाला होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए। कई बार मुझमें खुद में इतना सब्र नहीं होता कि चीज़ें बताने के बाद मैं खुद 4-5 गेम तक कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास करते हैं, जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बाबा जी ने अगर कुछ बताया है तो चीज़ें काम करके देंगी ही देंगी, और उन्हीं की देन है कि गेम पास भी होती है। मैं खुद पर भी अगर अच्छे से विश्वास कर लूँ तो मैं उस दिन काफ़ी फ़ायदे में जाता हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई बातें हैं। आपको जब भी कहता हूँ कि चीज़ें पसंद आए ना तो भरपूर तरीके से करो, बेहतरीन तरीके से करो, या तो सफलता मिलेगी या फिर सीखने को मिलेगा कि कहां कटिंग रह गई थी, कहां गलती हो गई थी। तो चीजें आपको काम करके देखने को मिलती ही मिलती है। ये चैनल है आपको समझाने के लिए, ये चैनल है आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ अच्छा बताने के लिए। अब यहां से फटाफट से बात कर लेते हैं विद लोकेशन खेल की। तो देखो, दिल्ली बाजार से खेल शुरू करूंगा, दिल्ली बाजार में 55 के बाद क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है, तो भैया 55 के ऊपर 57 का खेल लाजवाब तरीके से काम कर सकता है, ट्रिक जोड़ी है। इसके अलावा 95 का खेल भी अच्छा रह सकता है। बात होगी अगर अंक की तो भैया पंजा मजबूत बनेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता हो कि भैया 95 का चांस बन रहा है, बिल्कुल सटीक जोड़ी बाबा जी ने निकाली है, तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि नहीं यार
पंजे के साथ कुछ और जोड़ी होनी चाहिए या फिर कुछ और जोड़ियां होनी चाहिए, तो फिर आप अपने हिसाब से अपने खेल को सजा लेना। मेरे हिसाब से जो आपको हेल्प हो सकती थी या फिर जो भी आपके साथ मैं जानकारी साझा कर सकता था वो यही रहने वाली है। अब बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 14:41 खुली हुई है, 14 खुली हुई है, और गाज़ियाबाद में खुली है 41। तो फरीदाबाद साथ में आपका गाज़ियाबाद भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अच्छी निकल कर आ रही हैं। मैंने दोनों ही लोकेशन के साथ खेल को अच्छे से सजाने की कोशिश की है, कृपा राम जी की होगी तो बेहतरीन तरीके से फ़ायदा निकल कर आ सकता है। तो फरीदाबाद में जो हमारा खेल बन रहा है वो बन रहा है एक तो 14:43 का, 14:43 का खेल लाजवाब है। इसके अलावा खेल बन रहा है 42 का। अब देखो मैंने यहाँ पर ना एक पे बढ़ाया है 3 कर दिया, 43 कर दिया है, एक पे बढ़ाया 2 कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि 14 रिपीट कर सकता है, तो 43-42 अच्छी बन रही हैं। इसके बाद जो खेल में बन रहा है वो बन रहा है कि भैया या तो कंपनी आज 46 खोल सकती है यहाँ पे, या 49 खोल सकती है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि ये काम होने की अच्छी संभावनाएँ बन रही हैं, काफ़ी अच्छे संकेत समीकरण निकल कर आए हैं। जो भी भाई अपना गेम बनाते हैं या जो भी भाई मुझे यहाँ पर सुनने समझने आते हैं, वो एक बात स्पष्ट रूप में जानते होंगे कि भैया जो भी चीज़ें हम काम करते हैं इस्तेमाल में लेते हैं वो क्यों ली जाती हैं, कि हम बात करते हैं समीकरण की। जब भी आप कोई जोड़ी बनाते हो, मान के चलो किसी की 14 पास हुई होगी, तो कैसे हुई होगी, कहीं तो उसने समीकरण लगाया होगा कि भैया इस जोड़ी के बाद 14 खुल सकती है, इस जोड़ी के बाद 14 खुल सकती है, या फिर इसके बाद ये अंक आता है। जो भाई हरूफ स्पेशलिस्ट होते हैं कि बाबा जी मुझ पर अपना एक सिंगल हरूफ होता है, एक आपका बना लेता हूँ, चीज़ें मेरी काम करके जाती हैं, तो कब आती हैं, क्योंकि समीकरण समझते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, इसके बाद ही खेल निकलता है। उसमें हार भी होती है, उसमें जीत भी होती है। तो जो ये खेल आपके सामने मैंने पेश किया है, ये हार जीत दोनों को लेकर आ सकता है, लेकिन संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। जब आपको पता है ना कि मुट्ठी नहीं खुली तो आप कुछ भी गैस कर सकते हो कि इसमें क्या है, लेकिन मुट्ठी खुलने के बाद तो सबको पता चल ही जाता है कि भैया इसके अंदर तो ये चीज़ें हैं। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, समझदारी अगर दिखाओगे तो मुझे लगता है कि काम करके दे सकती हैं। बाकी राम जी ने अगर चाहा तो देखो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं वो, तो अच्छा बुरा भला सब हो जाता है उनकी नज़रों में, अगर वो चाहेंगे कि हाँ इसे करना है या करवाना है। अब यहाँ से बढ़ते हैं गली की लोकेशन में। गली में भैया 52 के ऊपर काम करना है हमें, तो 52 के ऊपर मुझे लगता है कि कंपनी का 92 बेहतरीन बन रहा है। क्रॉसिंग में भी है, अच्छी जोड़ी है, खुलने के संकेत देती है, तारीख में भी 29 है। तो आज जो एक चीज़ नोट की गई कि भैया इस महीने अभी तक मुझे याद है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं खुला जो उसी तारीख पर उसी दिन का हो, कि भैया ये नंबर है ये तारीख है, तो वो अगर कोई हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये महीना कहीं ना कहीं ऐसा भी करता है कि तारीख के अंक जोड़ी खोल देता है। तो 29-92 देकर जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक 45 भी अच्छी है 52 के ऊपर, तो एक नज़र मार लेना। बात रहेगी तो पंजे की रख लेते हैं, पंजा अच्छा रहेगा, साथ में दुग्गी हमारी अच्छी रह सकती है। दुग्गी देखो सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि ना आपको बता दूं मैंने रिजल्ट चेक किया, तो रिजल्ट चेक करने के बाद एक चीज़ नोट होकर आई कि भैया जब गली ने दुग्गी खोली उसके अगले दिन जरूर दुग्गी खोली है, चाहे फिर वो दुग्गी अंदर रही हो चाहे वो बाहर की साइड रही हो। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही हमें अच्छा गैसर बनाता है, आपको अच्छा खिलाड़ी बना सकता है कि भैया आपने ये चीज़ों का ध्यान रखा था। तो 92-45 का समीकरण मजबूत है, एक नज़र मार लेना। नज़र मार के देखोगे, चीज़ें अच्छे से देखोगे तो शायद कुछ हासिल हो जाए। अब यहाँ से बढ़ते हैं दिशावर में 93 के ऊपर। देखो नहला पास हुआ है, अगर बात करोगे कुंडू बाबा की पाठशाला से तो वहाँ से भी एक अच्छी पासिंग निकल कर आई है, क्रॉसिंग भी पास होकर गई है। 93 के जो समीकरण मैं बता रहा था कि कंपनी यहाँ पर 9-3-4-8 का घर ज़्यादा खोल रही है, आपके सामने फिर से एक बार स्पष्ट रूप से सफल होके गया है। तो चीज़ें सुनोगे समझोगे तो भैया फ़ायदा तो देंगी ही देंगी, ये तो ये कन्फर्म है एकदम बिल्कुल तथ्यों के साथ। अब यहाँ से 93 के ऊपर काम करना है, तो देखो 93 के ऊपर सबसे पहले दो वो जोड़ियाँ बताऊँगा जो पिछली 93 के बाद खुलने के समीकरण बन रहे थे। तो भैया देखो 93 के बाद जो मेरा समीकरण बन रहा है, लास्ट टाइम जब 93 यहाँ खुली थी तो खुली थी यहाँ पे 93 के बाद 62, 93 की बात बात कर रहा हूँ मैं 5 दिन पहले। अब यहाँ से मेरा 93 के ऊपर खेल क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है 67-17। अब पहले आपको इस पर नज़र भरनी है, एक अच्छी सी नज़र मारनी है कि भाई
पिछली बार 62 खुला था, इस बार ये 67-17 दे रहे हैं, तो क्या ये सटीक हैं, क्या इनकी जोड़ियां काम करके जा सकती हैं, तो एक नज़र ये मार लेना। ठीक है, ये ट्रिक जोड़ी है, पैटर्न जोड़ी है। 93 के बाद कंपनी ने 62 खोली, इस बार 93 के बाद कंपनी 67-17 खोल सकती है। अगर ये जोड़ियां कहीं और भी खुल जाएं तो समझ लेना कि भैया कुंडू बाबा ने जो ट्रिक दिखाई थी, बताई थी, वो सफल हो गई। अब इसके अलावा अगर यहां से कुछ और हम अगर बात करें कि भैया आप बोलते हो कि कंपनी के साथ हो जाओ, कंपनी के साथ चलो, तो अगर 93 के ऊपर कोई और अच्छा खेल निकालना है तो वो आपका रह सकता है 91। ठीक है जी, अब अगर बात करोगे मुझसे कि बाबा जी कोई हरूफ बता दो, क्या कुछ हरूफ रह सकता है, तो सबसे पहले तो मैं यही जोर आजमाइश करूंगा कि भैया आप या तो नहला रख लेना दोबारा से अगर आपका विश्वास बनता हो, या 70 रख लेना, और अगर ये 62 भी इस्तेमाल करनी हो तो इस 62 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ें मैंने ब्रीफ कर दी हैं अच्छे से, चीज़ें ब्रीफ करने का मतलब है कि आपके सामने बढ़िया से खोल दिए कि देख लो, अगर आपको पसंद आएंगी तभी आप इस्तेमाल करोगे। किसी पे जोर आजमाइश नहीं है कि भैया इस्तेमाल करनी पड़ेगी तुझे तेरी माँ का समय, नहीं, यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात होती है कि समझ में आई हैं, लगता है कि ट्रिक पैटर्न सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि साथ में लेकर चल रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा इसे छोड़ दें। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, जो सिर्फ देखना चाहते हैं, उन सभी का आशीर्वाद प्यार ऐसा ही बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं, कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।